2020 में तीन बड़ी मुसीबतें आई हैं, कोरोना, दूसरा जो अभी चीन का मामला आया है वो है, और तीसरा जो आप बिहार की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं चीन पर, जो चीन में जो लद्दाख बॉर्डर पे जिस तरह से चीन की तरफ से हमला हुआ और हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या लगता है कि हमारा देश या हमारे प्रधानमंत्री इन सब से निपटने में नाकामयाब रहे हैं, या कोई और अच्छी रणनीति की जरूरत है? मैं अभी इस वक्त जो पूरा देश इस घड़ी में एक गुट और एक जुट है माननीय प्रधानमंत्री के साथ या पूरे भारत के साथ, इसलिए अभी किसी एक पे तो मैं कोई टीका टिप्पणी या दोषारोपण नहीं करूंगा इस घड़ी में, खासकर इस घड़ी में, इतने तनाव की घड़ी में। लेकिन जिस वक्त मैं भी उद्वेलित हूं, मैं भी आक्रोशित हूं, बहुत डिस्टर्ब्ड हूं कि इतने झूला झूलने का और इतनी बार साथ मिलने का, नौ नौ बार उनसे मुलाकात करने का, बातचीत करने का अंतोगत्वा, क्या ये परिणाम आया? अगर यही दिन देखना था हम लोगों को, सारा देश इस समय एकदम कि हमारे इतने शहीद मारे गए, और वो भी इंस्टॉलमेंट में बात आती है। पहले कहा जाता है तीन मारे गए, उसके बाद कोई सामने नहीं आता है, कोई बयान नहीं देता है, उसके बयान के लिए आप लोग उनको टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं कुछ बोलिए कुछ बोलिए, देश जानना चाह रहा है, तो फिर कहते हैं 20 आए, उसके 20 के बाद भी ये बात खत्म नहीं हुई, तो कहते हैं कहीं 58 जो है दूसरे अस्पताल में है, और 18 कहीं दूसरे अस्पताल में है, बुरी तरह घायल है या घायल नहीं है, आ जाएंगे ड्यूटी ज्वाइन। यानी इस समय मानसिक अवस्था जो अभी देखिए, सर्वदलीय बैठक हो रही है, हमें अपने प्रधानमंत्री पे और भारत पे, वो सरकार पे पूरा विश्वास है कि वो जो कहा कि यथोचित उसका उत्तर देंगे, तो यथोचित उत्तर दिया जा रहा होगा, उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं हुआ कि जिस तरह से ऐसे हमारे अतिक्रमण तो बहुत दिनों से चल रहा था, लोग कह रहे थे, आप लोग कह रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, उस पर हमारा क्या रिएक्शन था, हम लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? कहीं ऐसा ना हो कि जब तक ये सब कुछ हो जाए और जब तक हम लोग कुछ करें और कर रहे हैं, तब तक कहीं ये टाइटल लग जाए, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, तब तक आप खुद सोचिए। लेकिन चूंकि ये बहुत संकट की घड़ी है, देश की अस्मिता की घड़ी है, एकता और अखंडता की घड़ी है, इस घड़ी में हम सबको, और विपक्ष से भी मैं अनुरोध करूंगा, सबको अभी एक सुर में बात करनी चाहिए, सुर से सुर मिलाकर बात करनी चाहिए। अभी हमारे प्रधानमंत्री का, माननीय प्रधानमंत्री का सबको साथ देना चाहिए। ये घड़ी बहुत संकट की घड़ी है, अलग अलग सुर में लोग बात करेंगे और अलग अलग रास्ता दिखाएंगे, वो नहीं। अभी वक्त है सारे ओपोजिशन को साथ लाइए, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को, आर्मी एक्सपर्ट्स को, रक्षा विशेषज्ञों को, एक से एक प्रोफेशनल्स को, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स पे, प्रशासनिक अधिकारियों पे, अब लगता है वो लोग टायर्ड और रिटायर्ड हो गए उन्हें बहुत ज्यादा। अब वक्त है प्रोफेशनल्स का, इंटेलेक्चुअल्स का, एक्सपर्ट्स का, और तमाम ऑपोजिशन का, और तमाम यंगर जनरेशन का, इन लोगों से बात करके ये राय निकाली, राह निकले। और मुझे लगता है भारत मजबूत देश है, हमें लगता है कि हमारे लोग, हमारे आर्म फोर्सेस जबरदस्त है, हम उनके भरोसे चल सकते हैं, उनके भरोसे आगे बढ़ सकते हैं, और शायद हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। जय हिंद की सेना को मैं जय हिंद बोलता हूं हमेशा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।